हेलो नमस्ते सलाम वेलकम टू माय शो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। ये क्या नो एंट्री टू में सलमान खान अनिल कपूर की हो गई है नो एंट्री, तो वहीं रणवीर सिंह के बाद अब डॉन बनेंगे क्यूट कार्तिक आर्यन और अल्लू अर्जुन के फैंस को 8 अप्रैल को मिलेगा बड़ा सरप्राइज। और भी बहुत सारी खबरें हैं इस पिटारे में, बस आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ, स्क्रीन के सामने बैठे रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का सफर। फिल्मी दुनिया में कार्तिक आर्यन के सितारे खूब चमक रहे हैं। उनकी लास्ट रिलीज फिल्म सत्य प्रेम की कथा के बाद साल 2024 में एक्टर के हाथ में कई बड़ी फिल्में हैं। कबीर खान के निर्देशन में बनी फिल्म चंदू चैंपियन में कार्तिक आर्यन रियल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अनीश बाजमी के साथ भूल भुलैया 3 करने के लिए भी हामी भर दी है। कई अलग अलग किरदार अब तक वो स्क्रीन पर निभा चुके हैं, तो अब रिपोर्ट्स की माने तो वो जल्द ही विशाल भारद्वाज की फिल्म में इस रियल लाइफ डॉन का रोल निभा सकते हैं। उनके इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस करेंगे। अब हाल ही में फिल्म में उनका किरदार क्या होगा इस पर से भी पर्दा उठ चुका है। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो विशाल भारद्वाज की डार्क थ्रिलर में डॉन हुसैन उस्तारा का रोल प्ले कर सकते हैं क्यूट कार्तिक आर्यन। डॉन हुसैन उस्तारा वो थे जो अंडरवर्ल्ड किंग और वांटेड दाऊद इब्राहिम के खिलाफ निडरता से खड़े थे। साल 2021 में एक फिल्म आई जिसका नाम था पुष्पा। इस साउथ मूवी को हिंदी सहित कई भाषाओं में रिलीज किया गया। कहानी के साथ साथ अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फाजिल की दमदार एक्टिंग और सामंथा रूथ प्रभु के ऊ अंटावा गाने से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। तो अब इस फिल्म के अगले पार्ट यानी पुष्पा 2 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और गुड न्यूज ये है कि मेकर्स फैंस को सरप्राइज देने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो दावा किया जा रहा है कि पुष्पा 2 का टीजर 8 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें इसी दिन अल्लू अर्जुन का बर्थडे है, ऐसे में फैंस को बड़ा तोहफा मिलेगा। हालांकि इसको लेकर अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बॉक्स ऑफिस पर शैतान का खात्मा करने वाले एक्टर अजय देवगन अब सैयद अब्दुल रहीम के रोल में लोगों में जज्बा भरते नजर आएंगे। अजय के बर्थडे के खास मौके पर उनकी अपकमिंग फिल्म मैदान का फाइनल ट्रेलर रिलीज किया गया। मैदान अजय देवगन के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये बायोपिक फिल्म है जिसमें अजय को पहले कभी ना देखे जाने वाले अवतार में देखा जाने वाला है। अमित शर्मा के डायरेक्शन में बनी इस मूवी में कई इमोशन सीन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अजय देवगन के कुछ धासु डायलॉग्स हैं जो यूजर्स को काफी पसंद आने वाले हैं, क्योंकि ट्रेलर को अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। आपको बता दें मैदान फिल्म फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की बायोपिक है। वैसे अजय देवगन की फिल्म मैदान को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से UA प्रमाण पत्र मिला है। इसके साथ ही एक्टर के फैंस के लिए एक अच्छी खबर यह है कि सेंसर बोर्ड ने इसे बिना किसी कट के मंजूरी दे दी है। एक्ट्रेस कृति सेनन के रिलेशनशिप को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ खबरें आती रहती है, लेकिन हर बार कृति कहती है नो, मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूं। पर अब चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म है और ऐसा माना जा रहा है कि वो इन दिनों UK बेस्ड NRI कबीर बहिया को डेट कर रही है। एक्ट्रेस ने हाल ही में होली सेलिब्रेशन के कुछ फोटोज शेयर किए, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा है कि वो कबीर के साथ रिलेशनशिप में है। इससे पहले कृति की लंदन ट्रिप से भी फोटो वायरल हुई थी जिसमें वो एक मिस्ट्री मैन का हाथ थामे नजर आई थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो शख्स कबीर ही थे। वैसे आपको बता दें कबीर क्रिकेटर MS धोनी के फैमिली मेंबर है, वो धोनी की वाइफ साक्षी के कजन है। तो क्या अब कृति वाकई रिलेशन में आ गई है? वेल, ये तो अब कृति ही बता सकती है। और नो एंट्री 2 की हो गई है स्टार कास्ट फाइनल। जी हाँ, कुछ महीने पहले खबर आई थी कि नो एंट्री 2 की कास्ट को बदल दिया गया है, फ्रेश कास्ट के साथ सीक्वल को रेडी किया जाएगा। तभी चर्चा थी कि सलमान खान को रिप्लेस करने वाले कोई और नहीं बल्कि जुड़वा 2 एक्टर वरुण धवन है। साथ में दिलजीत दोसांझ का नाम भी सामने आया था। अब बोनी कपूर ने ना केवल वरुण और दिलजीत को ही बल्कि तीसरे नाम को भी रिवील कर दिया है, कंफर्म कर दिया है। दरअसल बोनी कपूर ने जूम को दिए गए एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि वो नो एंट्री के सीक्वल में नई तिकड़ी लाने जा रहे हैं। ये तिकड़ी होगी वरुण, दिलजीत और अर्जुन कपूर की। वैसे नो एंट्री 2 की शूटिंग इसी साल दिसंबर से शुरू हो सकती है। पहला पार्ट 2005 में आया था,
वो भी सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान के साथ। तो अब नई तिकड़ी क्या वही कमाल कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। वेल दैट्स इट फॉर नाउ इन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।